अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम 2 की प्लेलिस्ट, और इस प्लेलिस्ट में हम हर टॉपिक से रिलेटेड जितने पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सके हम वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम्स हम ग्रिफिथ, जेटली और लिपोव की बुक से करेंगे। आज है लेक्चर नंबर 1, और लेक्चर नंबर 1 हम शुरू करेंगे जी एंगुलर मोमेंटम से। टॉपिक है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं या उससे कम्यूटेशन रिलेशंस पूछे जाते हैं, या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछी जाती है, या आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो हम इसे अलग अलग 3 वीडियोस हम बनाएंगे। आज जो वीडियो है वो हमारी सिर्फ कम्यूटेशन रिलेशंस पे है। कम्यूटेशन रिलेशंस से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम सारे सॉल्व करेंगे इसमें, ग्रिफिथ की बुक से, जेटली की बुक से, और जो जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो सारे हम इस वीडियो में सारे सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है, लेकिन इसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एल। अब इसमें हम इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटम में हमें से फॉर्मूला चाहिए। एल जो होता है वो इक्वल होता है आर क्रॉस पी के। अब क्वेश्चन 1 जो है वो इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 1 पहले ही आ गया। पूछा जाता है कि ऑपरेटर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो हम करने वाले हैं ना, ये सारा क्या है, ऑपरेटर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ऑपरेटर फॉर्म है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब हमें पता है कि हम क्रॉस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस के लिए हम आई जे के ले लेते हैं। यहाँ पे आर क्या होता है, एक्स वाई जी, पी हमारे पास इक्वल होता है पी एक्स पी वाई पी जी। मैट्रिक्स को आप लोगों को सॉल्व करना आता है, आई को रखेंगे, इन दोनों को आई लिया है तो इसको इग्नोर करेंगे, वाई पी जी माइनस पी जी पी वाई, ठीक है। इस तरह से इनको लिख लिया। अब ये जो ये टर्म है आई के साथ ही आपके पास क्या होती है, एल एक्स, ये टर्म क्या होती है, एल वाई, और ये टर्म क्या हो जाती है, एल जी, ठीक है। अभी क्योंकि हमें ऑपरेटर फॉर्म अगर पूछी जाए तो हमें पता है कि हमारे पास मोमेंटम के ऑपरेटर फॉर्म क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल पी जी की पूछी गई है, तो पी जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस है, पी की वैल्यू क्या होती है, माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जी आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आ गया। माइनस आयोटा एच कट को यहाँ से कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी माइनस जी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। ये मेरे पास क्या है, एल एक्स की ऑपरेटर फॉर्म। सेम इसी तरह ये मेरे पास क्या है, एल वाई की ऑपरेटर फॉर्म, और ये क्या है, एल जी की ऑपरेटर फॉर्म। ओके, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एक डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मतलब, इसका मतलब क्या, वो 3D में आता है, उसके एक्स में भी, वाई में भी, और जी में डायरेक्शन में कंपोनेंट्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जी के एल स्क्वेयर इक्वल होता है एल स्क्वेयर एक्स, एल स्क्वेयर वाई, एल स्क्वेयर जी। और इम्पॉर्टेंट बात कि ये सारे क्या होते हैं, हर्मिशियन। हर्मिशियन का मतलब क्या होता है, जब हमें बताना हो कि ये चीज़ हर्मिशियन है या नहीं, हम उसके ऊपर क्या ले लेते हैं, डैगर। डैगर का मतलब क्या, एक दफ़ा उसका कॉन्जुगेट लेना और एक दफ़ा उसका ट्रांसपोज लेना। क्वांटम 1 में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है, और वो इसी के इक्वल आ जाए। मैं अगर इसका डैगर लूँ, डैगर क्या मतलब, मैंने एक दफ़ा इसका ट्रांसपोज लिया, एक दफ़ा इसका कॉन्जुगेट लिया, ये मुझे वही वैल्यू दे रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हर्मिशियन है। एल वाई का भी मैंने डैगर लिया तो एल वाई दे रहा है, एल जी का भी मैं लूँगी तो वो मुझे एल जी मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे क्या है, हर्मिशियन है। ओके, हमारा टॉपिक क्या है, कम्यूटेशन रिलेशंस को सॉल्व करना। कम्यूटेशन रिलेशंस को, ये सारी मैंने यहाँ पे पॉसिबल कम्यूटेशन रिलेशंस लिखी हुई हैं, इनको सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें हमें याद रखनी है और जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ करने हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। अब ये क्या है कि क्विक तरीके से किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि हम कम्यूटेशन रिलेशंस को शॉर्टकट मेथड से करना सीखेंगे। तो एक क्विक तरीका है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को एल एक्स एल एक्स दे दिया जाए तो हम इसको क्या लिखें, इसकी कम्यूटेशन रिलेशन क्या आएगी। इसी तरह एल एक्स दे दिया जाए तो क्या कम्यूटेशन रिलेशन आएगी, सारी चीज़ें अभी हमने सीखनी है। ओके जी, उनसे पहले जो हमें थिंग्स जो हमें रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, वो चीज़ें क्या हैं कि अगर हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशंस पूछ ली जाए कि एक्स और वाई, वाई और जी, या जहाँ पे भी जी और एक्स के कम्यूटेशन रिलेशंस होंगे, हमने वहाँ पे बिना सोचे कि आप पुट कर देना है, ज़ीरो लगा देना है। क्या है, अगर एक्स और वाई कहीं पे भी लिखा होगा इन दोनों की कम्यूटेशन रिलेशन, मैं वहाँ पे ज़ीरो लगा दूँगी। सेम इसी तरह अगर कहीं पर वाई और जी की कम्यूटेशन रिलेशन लिखी हो, वहाँ पर भी मैं ज़ीरो लगा दूँगी। सेम इसी तरह जी और एक्स पर भी ज़ीरो। और इसी तरह अगर आप लोगों के पास कम्यूटेशन रिलेशन गिवन हो पी एक्स पी वाई की, या पी वाई पी जी की, या अगर आप लोगों को गिवन हो पी जी या पी एक्स की, इनमें तीनों में से कोई भी आपको गिवन हो, आप लोगों ने वहाँ पे क्या पुट कर देना है, ज़ीरो पुट कर देना। सेम इसी तरह एक्स पी वाई, वाई पी एक्स, या जी पी एक्स में से कोई भी गिवन होगा, वहाँ पर भी ज़ीरो पुट कर देंगे। अब इन तीनों में से अगर आप लोग देखो तो क्या पता लग रहा है कि कब ज़ीरो पुट करना है, जब डिफरेंट हो। एक्स वाई क्या है, डिफरेंट। वाई जी क्या है, डिफरेंट। पी एक्स है, ये पी वाई है। एक्स वाई क्या है, डिफरेंट। सेम इसी तरह एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, ये जी है, ये एक्स है। तो हमने डिफरेंट वाली में ज़ीरो पुट कर देना। तो जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि अगर
पोजीशन और मोमेंटम की कम्यूटेशंस रिलेशन गिवन होंगी, तो हमने सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम के केस में जो डिफरेंट चीज़ें होंगी वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देना है. ज़ीरो फॉर पी और एक्स, ठीक है, या एक्स और पी में डिफरेंट में अगर डिफरेंट है चीज़ें तो ज़ीरो पुट कर देना है. ओके, कब ज़ीरो नहीं होगा? ज़ीरो कब नहीं होगा? जब आपके पास सेम सेम हो, जैसे एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, जी पी जी इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट. अब ये कम्यूटेशन रिलेशंस हमने क्वांटम वन में ये सारी पोजीशन और मोमेंटम की फाइंड की हुई हैं, ठीक है. क्वांटम टू में हमने क्या पढ़ना है? हमने एंगुलर मोमेंटम की कम्यूटेशन रिलेशंस निकालनी है, ठीक. ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हमने ये सिर्फ डायरेक्ट याद रखनी है. सेम इसी तरह अगर x और px की कम्यूटेशन रिलेशन जो कि हमने क्वांटम वन में निकाली थी आयोटा h कट आती है, इसी तरह अगर p पहले गिवन हो जाए px और x, तो उसके साथ हमारे पास क्या आ जाता है? सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ जाता है, तो माइनस आयोटा h कट. तो याद क्या रखना है? अगर पोजीशन और x पोजीशन मोमेंटम की होंगी तो अगर डिफरेंट होंगी तो ज़ीरो पुट कर देना है वहाँ पे, और अगर वो सेम है तो आयोटा h कट, और अगर px पहले आ गया तो माइनस आयोटा h कट. ठीक, ये आप लोगों को याद हो गई. ओके, देन जो हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं ये कम्यूटेशन रिलेशंस के, जब भी हम सॉल्व करते हैं ना तो ये फार्मूलाज तो आप लोगों को आने ही आने चाहिए. बेसिक फार्मूलाज हैं, वन टू वन में भी हमने यूज़ किए थे. हमारे पास अगर कोई भी कम्यूटेशन रिलेशन गिवन होता है ना, जैसे ये गिवन हो, तो हम इसको खोलते कैसे हैं? कैसे खोलते हैं? सबसे पहले हम ए बी लिखते हैं माइनस बी ए लिखते हैं, ठीक है. ये तो बहुत एक कॉमन सा फार्मूला है. देन उसके बाद अगर हमारे पास ए बी सी गिवन हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम ए को पहले लिखते हैं, फिर बी और सी लिखते हैं, फिर हम एक दफ़ा बी को बाहर लिखते हैं और ए को और सी को लिखते हैं. मतलब सी को एक दफ़ा ए के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा बी के साथ लिख देते हैं. फिर अगर हमारे पास ए प्लस बी गिवन हो, सी गिवन हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए को सी के साथ एक दफ़ा लिख दिया, प्लस साइन आ गया, बी को सी के साथ एक दफ़ा लिख दिया. अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा? माइनस साइन. और अगर सेम फंक्शन हो जाए, ए और ए, वो ए कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स, ठीक है, तो और क्या हो सकता है? एल एक्स एल एक्स. तो जो सेम वाली है वो आपके पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो. और अगर एक ए गिवन है और साथ आगे उसका फंक्शन गिवन है तो उसको भी हम क्या कर देंगे? ज़ीरो पुट कर देंगे. अगर आप लोगों को अभी ये चीज़ें मुश्किल, तो कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें आसान लगेंगी और आप लोगों को खुद ही याद हो जाएंगी. ओके जी, अब हमारे पास क्या है? अब इनकी सारी कम्यूटेशन रिलेशन हम कैसे सॉल्व करें, वो हमारे पास एक तरीका है. और वो तरीका क्या है? कि हमारे पास जो होगा, एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, और यहाँ पे क्या होता है? जी. अगर हमारे ये क्या होता है, एक्स के बाद वाई आए, वाई के बाद जी आए, फिर जी के बाद एक्स आए, तो ये क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है. तो अगर हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस अगर रिपीट हो रहा होगा तो हम साइन क्या लेंगे? प्लस साइन लेंगे, ठीक है. और अगर मेरे पास जी हो पहली टर्म, फिर वाई हो, फिर एक्स हो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? एंटी साइक्लिक. तो जहाँ पे भी आपको एंटी साइक्लिक लगेगा तो वहाँ पे हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव साइन पुट करेंगे. बस ये चीज़ याद रखनी है. ओके, ठीक है. एक तो आप लोगों ने इस एंटी साइक्लिक और साइक्लिक वाली बातें याद रखनी है. दूसरी आप लोगों ने क्या बात याद रखनी है? कि अगर आप लोगों को कोई भी एल गिवन है, साथ में एल की ही कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करनी है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिख देना है? आयोटा एच कट एल. एल एल की गिवन है, आयोटा एच कट एल, ठीक है. आगे जो भी, अब इसके साथ माइनस साइन आएगा, यहाँ क्या आएगा, वो चीज़ें जो हैं वो बाद की बात है, वो मैंने आप लोगों को समझाई है. अगर इस साइक्लिक प्रोसेस वो बाद में बताती हूँ, ठीक है. सबसे पहले क्या है? अगर एल और एल गिवन हो, आप लोगों ने यहाँ पे आयोटा एच कट एल लिख देना है. सेम इसी तरह अगर आपके पास एल गिवन हो, यहाँ पे पी गिवन हो, तब आप लोगों ने क्या लिख देना है? आयोटा एच कट पी, ठीक हो गया. यहाँ पे क्या साइन क्या आएगा, यहाँ पी के नीचे क्या आएगा, वो बाद में बताऊँगी. ये चीज़ याद हो गई. देन उसके बाद सिंपल आपके पास L गिवन हो और यहाँ पे कोई X गिवन हो, तब आप लोगों ने सिंपल आयोटा H कट ही लिखना है, ठीक है. अब देखो मेरे पास L X की और यहाँ पे X. अब L X है, X है. सबसे पहले तो अगर मैं लिख देती आयोटा H कट, मैंने अभी बताया, लेकिन यहाँ पे अगर टर्म डिफरेंट होती, यहाँ पे सेम है, X है, ये X है, अगर मेरे पास सेम आए तो मैं ज़ीरो पुट, क्या ज़ीरो पुट करूँगी? ज़ीरो पुट करूँगी. लेकिन अभी आप लोग कहोगे कि अभी हमने पढ़ा कि पोजीशन और मोमेंटम का जब हम पढ़े थे तो हमने लिखा है कि डिफरेंट होंगी तो ज़ीरो पुट करना है, ठीक है. तो वो बात सिर्फ और सिर्फ जब तब है जब आपके पास पोजीशन और मोमेंटम के गिवन हो. एंगुलर मोमेंटम पे डिफरेंट, इस चीज़ का ऑपोजिट है, उसमें ये ज़ीरो कब होता है? जब ये चीज़ सेम हो, ठीक है. एंगुलर मोमेंटम में कब होगा? जब ये सेम हो तो ये ज़ीरो होगा. जबकि एक्स और पी में क्या होता है? जब ये डिफरेंट हो तो ज़ीरो होता है, ठीक है. यहाँ पे ये डिफरेंट थी तो मैंने ज़ीरो लिया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सेम है, मैं तब भी क्या लूँगी इसके? मैंने सिंपल क्या लिख देनी है? इसकी कम्यूटेशन रिलेशन ज़ीरो. एल वाई एल वाई, अच्छा ये अभी एल वाई एल मैंने गलती से लिख दिया. एल वाई और वाई की भी क्या है?
ये चीज़ें सेम हैं तो ज़ीरो, ये चीज़ सेम है तो सिंपल मैंने ज़ीरो पुट कर दी, कुछ भी सोचे बगैर। देन उसके बाद अब तो ये डिफरेंट होगी, अब एल एक्स है, अब एल वाई है, अब मैं क्या पुट करूँगी? तो यहाँ पे मिस्टेक होगी, एल एक्स भी गिवन हो तब भी आयोटा एच कट एल आएगा, ठीक, ये बात याद रखनी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एल एक्स है, वाई है, अभी मैंने बताया एल और वाई गिवन होगा, तो मैंने सबसे पहले क्या लगा देना है, आयोटा एच कट एल लगा देना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई है, देखो एक्स वाई, एक्स से कहाँ गई, वाई पे, तो ये क्या प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, एक्स और वाई हो गए सिंपल। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पहले तो लगा दिया जी, फिर मैंने देखना है कि यहाँ पे साइन प्लस आता है या माइनस आता है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एल एक्स एल जी, अब ये जो चीज़ है ये एल और एल की है, तो जब एल और एल हो तो सबसे पहले तो मैंने आयोटा एच कट एल लगा दिया, एक्स और जी है तो मैंने यहाँ पर वाई लगा दिया। अब x और z हैं, x से z और फिर y, ये क्या है, एंटी साइक्लिक प्रोसेस, तो नेगेटिव साइन आ गया। सेम l और p का है, तो सबसे पहले मैंने आयोटा h कट और p लिख दिया, फिर मिस्टेक, z और z क्या है, सेम, जब ये सेम है तो यहाँ पे इस चीज़ को करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब सेम हो गए तो ज़ीरो, ठीक है। एल एक्स पी एक्स सेम है, ज़ीरो, ये डिफरेंट है, तो सबसे पहले तो एल और पी सबसे पहले देखना है कि डिफरेंट है या सेम है, सेम है तो ज़ीरो पुट कर दो, डिफरेंट है तो देखो एल और पी है तो सबसे पहले जल्दी से लिख दो आयोटा एच कट पी, फिर उसके बाद देखो एक्स वाई, तो तीसरी टर्म क्या होती है, जी, फिर उसके बाद देखो साइन क्या आएगा, एक्स वाई फिर जी, साइक्लिक प्रोसेस है तो प्लस रहेगा, फिर देखो ये चीज़ें सेम है या डिफरेंट, सेम है तो ज़ीरो पुट कर दो। अब उसके बाद फिर देखो कि सेम है या डिफरेंट, अब ये चीज़ें भी क्या हैं, सेम, तो ज़ीरो पुट कर दो। फिर उसके बाद देखो सेम है या डिफरेंट, डिफरेंट है तो सबसे पहले एल और एल है तो आयोटा एच कट एल लिख दो फौरन, एक्स वाई है तो थर्ड टर्म क्या हो गया, ज़ीरो, साइक्लिक प्रोसेस है तो प्लस। अगेन देखो डिफरेंट है तो एल और एल है, आयोटा एच कट एल, एक्स और जी है तो यहाँ पर वाई, वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स सी एंटी साइक्लिक प्रोसेस है तो माइनस आ जाएगा। ओके, ये मैंने ना मिस्टेक से दोबारा वही चीज़ लिख दिया तो मैं इसको अब नहीं कर रही। उसके बाद अगेन डिफरेंट है, एल और एल है तो आयोटा एच कट एल आ जाएगा, वाई एक्स है तो जी आ जाएगा, वाई एक्स एंटी साइक्लिक है तो माइनस, वाई जी है, अगेन डिफरेंट है, फ़ौरन से आयोटा एच कट एल लिख दो, वाई जी एक्स और साइक्लिक है, ठीक है। अगेन अब ये एल और पी का आ गया, डिफरेंट, सबसे पहले देखेंगे सेम है या डिफरेंट, तो डिफरेंट है और एल और पी के तो आयोटा एच कट पी लिख दूंगी, जी एक्स पीछे क्या रह गया, वाई, जी से एक्स अगेन वाई पे, तो ये मेरे पास क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है तो प्लस ही आ जाएगा। अगेन एल जी और पी वाई, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी आयोटा एच कट पी, जी और पी वाई है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और पहले z y एंटी साइक्लिक है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही आप लोगों ने कम्यूटेशन रिलेशन याद रखने हैं। ओके जी, उसके बाद आते हैं थिंग्स वी ऑब्जर्व। हमने ये चीज़ करते हुए ऑब्जर्व क्या किया, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर l और l का होगा तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, आयोटा एच कट l, और इसी तरह l और p का होगा तो हम लिख देंगे आयोटा एच कट p, और इसी तरह अगर गिवन हो आई जे, आई जे कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई जी कुछ भी, अभी हम पीछे सॉल्व करके आए हैं, तो आई जे गिवन होगा तो हम आयोटा एच कट एल को क्या लेंगे, आई जे के बाद एक केर आ जाता है, ई आई जे का मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमें बताता है लेविस वीटा। लेविस वीटा वही है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस, यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ हमें साइन के बारे में बता रही है कि हमने प्लस लेना है या नेगेटिव लेना है। लेविस वीटा अगर साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है फॉलो तो हम प्लस लेंगे, और अगर एंटी साइक्लिक फॉलो कर रहा है तो हम नेगेटिव ले लेंगे। सिंपल एग्जांपल है कि आई की जगह एक्स गिवन हो सकता है, जे की जगह वाई गिवन हो सकता है, तो आयोटा एच कट एल ऑफ जी, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, ठीक है, ये सिर्फ हमें साइन बता रहा है। सेम इसी तरह इसकी भी ये एग्जाम्पल हो गई। ओके, अब ये तो हमारे पास था शॉर्टकट मेथड, तो हमने याद भी यही करना है, ठीक है। जब हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन आती हैं तो हमें इनमें यही चीज़ें ज़रूरत होगी, आगे हम करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा। लेकिन अब ये क्या है कि अगर कह दिया जाए कि एल एक्स और एल वाई को भाई प्रूफ करो, कि अगर हमें पता है कि हमारे पास ये क्या आएगा, आयोटा एच कट एल ऑफ जी, लेकिन इस चीज़ को प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करते हैं कि हमारे पास अब फॉर्मूलाज के ज़रिए, जो मैंने कहा था याद रखने, हमारे पास क्या होता है, हम कम्यूटेशन रिलेशन को खोलते हैं,
अब इसको मैं क्या लिखूँगी, एक मेथड क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एल वाई की यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि मुझे वैल्यू पता है, एल एक्स की जगह मैं क्या लिख, एल एक्स ऐसे ही आ गया, एल वाई की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। एल वाई की वैल्यू क्या कैसे पुट की है, यहाँ पे देखो वाई है, आप लोगों को सिर्फ याद बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है एल वाई की वैल्यू, या निकाल लो, लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे याद रखनी है तो कैसे याद रखेंगे कि वाई है, जब वाई है तो वाई के बाद ये स्टार्ट कहाँ से होगा, वाई के बाद क्या फर्स्ट टर्म आती है, जी जी, और पीछे क्या रह गया, वाई नहीं लिखना है, सिर्फ जी और एक्स का यहाँ पे काम होगा, ठीक है। पीछे क्या रह गया, पी ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस, फिर मैंने एक्स को लिखा, पी ऑफ जी लिखा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, फिर एल एक्स को एक दफ़ा जी पी एक्स के साथ लिखा, फिर एल एक्स को एक दफ़ा एक्स पी जी के साथ लिखा, दरमियान में साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करूँगी, ए बी और सी वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ को मैं लेट कर लूँगी, ये ए है, ये मेरे पास क्या है, बी है, ये मेरे पास क्या है, सी है। अब मैंने इस फॉर्मूला के जरिए इसमें पुट करना है। अब देखो यहाँ पे ए मेरे पास टर्म जो थी वो जी थी, मैंने इस तरह लिख दिया, देन उसके बाद बी और सी आ गया, ठीक है, यहाँ पे एल था। अब यहाँ पे बी है लेकिन मैंने सी को पहले लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहले सी गिवन था, तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, देन मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, प्लस उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू लिखी जो कि मेरे पास क्या था, पी ऑफ एक्स, और उसके बाद ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे सी की लिख दी क्योंकि सी पहले के बन था, एल ऑफ एक्स लिख दिया, बाद में ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या साइन आ गया, माइनस का यहाँ पे, देन उसके बाद इसके ऊपर भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप लोग, ओके। अब ये चीज़ें देखो, ये क्या है, सेम सेम है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये चीज़ क्या है, डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट है तो आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे मैंने पहले लिखा भी था लेकिन मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई थी, प्लीज़ सॉरी। यहाँ पे अगर L और X हो तो वो आयोटा H कट ही आएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे जैसे L X और Y गिवन है तो यहाँ पे आयोटा H कट और X Y Z, तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे L X और Y गिवन था तो यहाँ पे आयोटा H कट X Y Z, देन, ठीक है। तो ये प्लीज़ मिस्टेक आप लोग सही कर लेना, सॉरी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो थिंग्स ऑब्जर्व की वहाँ पे एक और पॉइंट और ऐड कर दो कि अगर हमारे पास एल एक्स और वाई गिवन हो या कुछ भी गिवन हो तो वो हमारे पास क्या होगा, आयोटा एच कट, ठीक है, सिर्फ आयोटा एच कट। अगर एक्स वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी। एल एल गिवन होगा तो आयोटा एच कट एल, एल पी गिवन होगा आयोटा एच कट पी, लेकिन सिर्फ एल और आगे कोई एल गिवन हो, आगे कोई वैसे ही कोई वेरिएबल गिवन हो तो आयोटा एच कट ही लिखेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है कि एल एक्स और जी है तो क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स जी एंटी साइक्लिक में जा रहे हैं तो माइनस आयोटा एच कट वाई हो जाएगा, माइनस एल एक्स पी जी, अब एक्स और पी जी क्या है, डिफरेंट है, तो कम्यूटेशन रिलेशन अभी आप लोगों को निकालना सिखाई है, याद होगी इसकी, यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन की मैंने पुट की, ये चीज़ क्या है, सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देन उसके बाद मैंने इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने एक्स पी वाई को पहले लिखा, आयोटा एच कट को कॉमन ले लिया और इस चीज़ को बाद में लिखा, तो ये चीज़ मेरे पास क्या होती है, एल ऑफ जी, तो ये आ गया, प्रूफ हो गया कि आयोटा एच कट एल ऑफ जी के इक्वल होता है। देन हम यूज़ करेंगे इसका सेकंड मेथड, सेकंड मेथड मैं प्रेफर नहीं करूँगी, वो थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन अगर किसी ने करना हो या उसके टीचर ने ये करवाया हो तो वो सेकंड मेथड को देख सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन करवाऊँगी, बाकी हम फर्स्ट मेथड को ही फॉलो करेंगे, ये थोड़ा लॉन्ग है, अगर किसी ने नहीं करना है इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एल एक्स की भी वैल्यू पुट करते हैं और एल वाई की भी वैल्यू को पुट करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, वाई इस पूरी वैल्यू को एक जी पी एक्स के साथ लिखेंगे, दरमियान में माइनस साइन, फिर उस इस पूरी वैल्यू को हम एक्स पी जी के साथ लिखते हैं, ओके। देन जब इस पूरी वैल्यू को एक एक दफ़ा इसके साथ लिखा, फिर इस पूरी वैल्यू को इसके साथ लिखा, फिर हम क्या करते हैं, वाई पी जी एक दफ़ा इसके साथ लिखेंगे, फिर माइनस जी पी वाई को एक दफ़ा इसके साथ लिखेंगे, सेम इसी तरह वाई पी जी को एक दफ़ा एक्स पी जी के साथ लिखेंगे, दरमियान में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, फिर इस जी पी वाई को इसके साथ एक दफ़ा लिखेंगे। अब हमने इन इक्वेशंस को नेम दे देंगे, ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, वन, ये इक्वेशन क्या है, टू, और ये इक्वेशन क्या है, थ्री, और ये इक्वेशन क्या है, फोर। अब मैं एक एक इक्वेशन को सॉल्व करूँगी, ऐसे इकट्ठा करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर इक्वेशन वन ली, इक्वेशन वन क्या है, ये चीज़, इसको लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वाई पी जी एक दफ़ा z के साथ लिखा, पी एक्स को बाहर ले गए, फिर एक दफ़ा हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही कम्यूटेशन रिलेशन को सॉल्व करते हैं ना, प्लस z, फिर एक दफ़ा y पी जी को पी एक्स के साथ लिखेंगे, z को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, देखो ये चीज़ मेरे पास बन रही है a, ये b और ये c, तो मैं यहाँ पे फार्मूला यूज़ करूँगी कि a b c और c इक्वल होता है a b c,
प्लस बी ए सी, ठीक। अब इसी तरह यहाँ ये पी एक्स तो बाहर ऐसे ही साथ है, ठीक है। अब ए को बाहर लिखो, बी बी और फिर ये सी, प्लस ये बी, ये ए और ये सी। इसी तरह आप लोग इसके ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई कर लो। देन अब यहाँ पे देखो वाई और जी क्या है, डिफरेंट है, तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशंस की है ना दोनों, अभी मैंने ऊपर बताए थे पोजीशंस के, वाई और जी डिफरेंट हैं तो ज़ीरो हो जाएगा। पी जी और पी एक्स दोनों क्या है, डिफरेंट है, ज़ीरो हो जाएंगे। ये क्या है, वाई और पी एक्स डिफरेंट क्या है, तो ज़ीरो हो जाएंगे। सिर्फ क्या बच जाएगा, ये पी जी और जी, ये क्योंकि ये सेम है, पी जी और जी हमारे पास क्या देते हैं, माइनस आयोटा एच कट, क्योंकि पी पहले आ गया, और ये पूरी इक्वेशन क्या बाकी सारी ज़ीरो हो गए, सिर्फ मेरे पास इस इक्वेशन वन का आंसर ये आ गया। देन मैं इक्वेशन टू लूँगी। ओके, मैंने इक्वेशन टू ली, इसके ऊपर भी क्या वही लगाएंगे उसी तरह सेम, कि एक दफ़ा जी पी वाई को एक दफ़ा जी के साथ लिखेंगे, पी एक्स को बाहर, फिर एक दफ़ा पी एक्स के साथ लिखेंगे, जी को बाहर, फिर वही फार्मूला लगता है इस पर भी, ए बी और सी वाला, ए को बाहर रखा, बी और सी को इकट्ठा लिखा, बी को बाहर रखा और ए और सी को इकट्ठा लिखा। अब ये पी एक्स जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करवा दी, ये जी बी इसी तरह है सेम। देन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली टर्म, सॉरी ये सारी ज़ीरो हो रही हैं। सारी क्यों हो रही है, क्योंकि ये सारी डिफरेंट हैं, तो ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी। ओके, फिर हम इक्वेशन थ्री लेंगे। अब इक्वेशन थ्री को भी सेम उसी तरह सॉल्व करना है, इस पर भी सारी ज़ीरो हो जाएंगे। इक्वेशन फोर लेती हूँ मैं, इक्वेशन फोर जब मैं सॉल्व करूँगी, ये क्या है, डिफरेंट है, ज़ीरो डिफरेंट है, ज़ीरो डिफरेंट है, ज़ीरो, ये चीज़ सेम है, और जी पी जी क्या देगा, आयोटा एच कट पी वाई और साथ ही एक्स आ जाएगा। अब मैं उस इक्वेशन में पुट करूँगी, मेरे पास सिर्फ इक्वेशन वन का आंसर आया है और इक्वेशन फोर का आंसर आया है, इन दोनों को ऐड करूँगी क्योंकि प्लस का साइन था, ठीक है। ओके, फिर आयोटा एच कट को मैं कॉमन ले लूँगी, एक्स को पहले लिख दिया और ये मेरे पास पूरी टर्म क्या होती है, एल ओ जी। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड है। फर्स्ट से भी किया था तो हमारे पास शॉर्टकट तरीके से हो गया था, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, तो आप लोगों की मर्ज़ी आप लोग किस मेथड से करते हैं। और पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कम्प्यूटेशन रिलेशन में, वो हम देखते हैं। हमारे पास आ सकता है कि एल स्क्वेयर और एल एक्स की कम्प्यूटेशन रिलेशन बताओ। अगर एल स्क्वेयर की पूछ ली जाए तो हम सिंपल एल स्क्वेयर की वैल्यू लिखेंगे जो हमें पता है, एल स्क्वेयर एक्स प्लस एल वाई स्क्वेयर प्लस एल जी स्क्वेयर होते हैं, एल एक्स ऐसे ही रहने देंगे। फिर एल एक्स स्क्वेयर को एल एक्स के साथ, एल वाई स्क्वेयर को एल एक्स के साथ, एल जी स्क्वेयर को एल एक्स के साथ लिखेंगे। अब ये चीज़ हमें पता है कि अगर क्या हो, एक फंक्शन हो साथ में, एक एफ और साथ में उसका फंक्शन हो, ठीक है, ए और एफ ऑफ ए, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो ये यहाँ पे मैंने इस चीज़ को ज़ीरो पुट कर दिया, सिर्फ ये दो टर्म्स रह गए, इन दोनों को लिख दिया। देन स्क्वेयर को मैं खोल सकती हूँ ना, एल वाई एल वाई, और इसको भी एल जी एल जी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक दफ़ा इसको बाहर लूँगी एल वाई, और एल वाई और एल एक्स को लूँगी, फिर एक दफ़ा इस वाले एल वाई को बाहर लूँगी और इस वाले एल वाई और एल एक्स को इकट्ठा लिखूँगी, ठीक है। फिर सेम इसी तरह इस एल जी को मैंने बाहर ले लिया, इस एल जी और एल एक्स को साथ लिखा, फिर इस एल जी को एक दफ़ा बाहर लिया, इस एल जी और एल एक्स को इकट्ठा लिखा। ओके, एल वाई और एल एक्स की कम्यूटेशन रिलेशन हमें पता है, माइनस आई ओटा एच कट एल ओ जी होती है। इन सारों की कम्यूटेशन रिलेशन को यहाँ पे पुट करूँगी और ये सारे क्या होंगे, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ओके, उसके अलावा पूछी जा सकती है कि एल स्क्वेयर, एल जी और एल स्क्वेयर की कम्यूटेशन रिलेशन बताओ। अभी हमने जो कम्यूटेशन रिलेशन की है वो किसकी की है, जब आपके पास एल स्क्वेयर पहले था और एल एक्स बाद में था। अब जो हम कम्यूटेशन रिलेशन कर रहे हैं जिसमें एल जी, एल एक्स ले लो, एल जी ले लो, कुछ भी ले लो, मैं अभी एल एक्स के साथ करवा चुकी हूँ तो एल जी के साथ करवा रही हूँ, जिसमें एल जी पहले है एल स्क्वेयर बाद में है, ये अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आप एल जी की चाहे वैल्यू पुट कर दो या एल स्क्वेयर की, एल स्क्वेयर की वैल्यू आसान है पुट करना, तो मैंने यहाँ पे एल स्क्वेयर की वैल्यू को पुट कर दिया। फिर एल जी और एल स्क्वेयर सेम वही सारा मेथड है। अब इसमें क्या है, ये चीज़ ज़ीरो हो रही है क्योंकि ये फंक्शन है और उसका एल जी है और साथ में उसका फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ज़ीरो पुट कर दिया, सिर्फ ये दोनों रह गई। सेम उसी तरह इनको भी एल जी और एल एक्स वो स्क्वेयर को मैंने खोल के लिख दिया, फिर एल एक्स को बाहर लिखेंगे, इस एल एक्स को एल जी और एल एक्स को इकट्ठा लिखेंगे, फिर इस एक एल एक्स को बाहर लिखेंगे और इस तरह इकट्ठे लिखेंगे, और फिर कम्यूटेशन रिलेशन को पुट करेंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, जीरो दे देगा। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल क्रॉस एल की कम्यूटेशन रिलेशन, क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है कि हम आई जे के जरिए उसको सॉल्व करते हैं। एल क्या होता है, एल एक्स एल वाई एल जी, ठीक है, इसी तरह एल एक्स एल वाई एल जी रखा। अब आप लोगों को डिटर्मिनेंट लेने आता है, हमने उस तरह से लिखा। अब अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो ये चीज़ क्या है, हम इसको कैसे लिखते हैं, एल वाई एल जी एल जी एल वाई एल जी लिखूँ तो ए बी माइनस बी ए होता है ना,
ठीक है, तो ये क्या है, ए बी माइनस बी ए, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करके लिखूँ तो वो एल वाई और एल जी की कम्यूटेशन रिलेशन है। सेम इसी तरह ये क्या है, एल एक्स और एल जी की कम्यूटेशन रिलेशन है। ये भी क्या है, जहाँ पे जो पहला टर्म होगा ना उसी की, ये जो चीज़ होगी ना ये उसी की कम्यूटेशन रिलेशन होती है। एल एक्स एल वाई है तो एल एक्स और एल वाई की कम्यूटेशन रिलेशन है, क्योंकि क्या होता है ए बी माइनस बी ए। यहाँ पे इसकी कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू मुझे पता है, मैंने वहाँ पे सारी कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यूज को पुट करूँगी। दैन मैंने आयोटा एच कट को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या रहे अंदर क्या रह गया, एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल के यूनिट वेक्टर, और ये चीज़ पूरी क्या है एल, तो आयोटा एच कट एल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पी एक्स और एल स्क्वेयर की कम्यूटेशन रिलेशन बताओ, जो कि आई थिंक जेटली की बुक से है। ये पी एक्स और एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एल स्क्वेयर एक्स प्लस एल स्क्वेयर वाई प्लस एल जी स्क्वेयर, आप बेशक ठीक है बल्कि इसमें पुट ही इसकी वैल्यू होती है एल स्क्वेयर की। देन पी एक्स को इसके साथ लिखा, पी एक्स को इस दफ़ा एल स्क्वेयर वाई के साथ लिखा, पी एक्स को एल स्क्वेयर जी के साथ लिखा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, एल एक्स को दो दफ़ा लिख सकते हैं, फिर एक दफ़ा एल एक्स को बाहर लिखेंगे पी एक्स और एल एक्स, फिर एक दफ़ा अगेन एल एक्स को बाहर लिखा पी एक्स और एल एक्स, ठीक है। सेम इसी तरह इन दोनों के साथ भी करना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं, सेम हो चुकी हैं, एल एक्स और पी एक्स, तो हमें पता है जब ये सेम हो जाए तो हम इनको क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, डिफरेंट है, तो ये टर्म आ गई। पी एक्स और एल वाई की कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है, आयोटा एच कट पी। अगर पी हो और एल हो तो हमें पता है हम इनकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, आयोटा एच कट पी, ठीक है। और साथ में ये साइक्लिक पाथ ही फॉलो कर रहा है तो प्लस आ गया। देन पी एक्स वाई है तो आयोटा एच कट पी जी हो जाएगा। और यहाँ पे इन सारों के आप लोगों ने कम्यूटेशन रिलेशंस आप लोगों को आती है, इसे एंटी साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करा है इसलिए माइनस सात आ गया। देन उसके बाद आयोटा एच कट में कॉमन ले लूँगी एल वाई पी जी, इस तरह से इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसके कम्यूटेशन रिलेशन का आंसर है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एल प्लस ऑपरेटर क्या होता है। एल प्लस ऑपरेटर को हम बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर, और रेजिंग ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। सेम इसी तरह एल माइनस क्या होता है, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, जो कि हमारे पास क्या होता है, लोअरिंग ऑपरेटर। अब कम्यूटेशन रिलेशन पूछी, ये कॉमन है और ये ज़्यादा पूछी जाती है कि एल जी और एल प्लस की कम्यूटेशन रिलेशन बताओ, तो हम यहाँ पे एल जी की वैल्यू लिखने के बजाय हम क्या लिख देते हैं, एल एक्स की। आपने हमेशा एल प्लस की वैल्यू डाल ली है, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई यहाँ पर डाल दी। अब एल जी को एल एक्स के साथ लिखेंगे, प्लस आयोटा एल जी को एल वाई के साथ लिख देंगे, आयोटा बाहर ले लिया। ओके, एल जी और एल एक्स हमारे पास क्या, सबसे पहले अगर इनकी हमें कम्यूटेशन रिलेशन पता है, एक तो एल और एल की है तो हमने सबसे पहले आयोटा एच कट एल लिख दिया, डिफरेंट है जी और एक्स है तो y आ जाएगा, और साइक्लिक प्रोसेस में जा रही हैं तो प्लस आ गया। दर उसके बाद प्लस इज एल जी और एल वाई की यहाँ पे लिखी माइनस आयोटा एच कट एल ऑफ एक्स, माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आयोटा स्क्वेयर है तो ये प्लस बन जाएगा अगेन, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वेयर है प्लस एच एच कट एल ऑफ एक्स, एल ऑफ एक्स को पहले लिख दिया, ठीक है, प्लस आयोटा एच कट एल ऑफ वाई। यहाँ पे एच कट को मैं कॉमन ले लूँगी, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और ये चीज़ हमें पता है कि एल प्लस है। सेम इसी तरह हम एल माइनस के लिए भी इसको देख लेंगे। एल माइनस के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दी, इसकी लोअरिंग ऑपरेटर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। सेम वही स्टेप है कि एल जी को एल एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा एल जी को आयोटा एल वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। इनकी यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन डाली माइनस आयोटा, इनकी यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन डालेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, अभी हमने क्या याद रखना है कि जब हमने एल जी और एल प्लस को ऑपरेट किया तो एच कट एल प्लस वैल्यू आती है, ये याद रखनी है। और जब एल जी को एल माइनस के ऊपर ऑपरेट करो तो माइनस एच कट एल माइनस आती है। अब एल जी और एल प्लस के ऊपर स्क्वेयर भी गिवन हो सकते हैं, किसी भी वैल्यू तक वो दे सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 50 कुछ भी आप लोगों को दे सकते हैं। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। या तो ये इस तरह से गिवन हो सकता है कि एल जी एल प्लस स्क्वेयर, या फिर इस तरह से गिवन होगा एल प्लस एल प्लस। तो इसका क्या मतलब है, एल स्क्वेयर तो हमने इसको खोल के लिखना है एल प्लस एल प्लस, देन एक दफ़ा इस एल प्लस को बाहर लिखेंगे एल जी और एल प्लस, फिर एक दफ़ा इस एल प्लस को बाहर लिखेंगे एल जी और इस एल जी और एल प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जब एल जी एल प्लस ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो हमें क्या देता है, एच कट एल प्लस, और इसके ऊपर भी ऑपरेट हुआ तो उसने यही दिया। जब ये एल प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वेयर, और ये भी क्या दे रहा है, एल स्क्वेयर, तो ये क्या ऐड होंगे तो 2h कट एल प्लस स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह एल जी प्लस जब एल प्लस 3 के ऊपर ऑपरेट होगा तो मैं इसको कैसे खोल के लिख सकती हूँ, मैं एल स्क्वेयर लिख सकती हूँ एल प्लस, क्योंकि मैंने एल स्क्वेयर क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि एल स्क्वेयर की वैल्यू मैं फाइंड कर चुकी हूँ। तो एल प्लस इसको बाहर लिखा एक दफ़ा, इसको बाहर लिखा एल जी एल प्लस स्क्वेयर, और एक दफ़ा इस एल प्लस स्क्वेयर को बाहर लिखा एल जी और एल प्लस को इकट्ठा लिखा। देन मुझे पता है इसकी कम्यूटेशन रिलेशन मैं फाइंड कर चुकी हूँ, मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट की। सेम इसी तरह एल जी एल प्लस की भी मुझे पता है कि एच कट एल प्लस होती है, इनको ऐड ये क्यूब बन जाएंगे, ऐड करेंगे 3 एच कट एल प्लस 3, ठीक है। अब
इनका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर आप लोगों के पास एल जी एल प्लस के ऊपर कोई भी वैल्यू n गिवन हो, ठीक है, n क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये गिवन है, तो सिंपल क्या होगा कि n शुरू में आ जाएगा और एल जी और एल प्लस की हमें पता है कि इनकी कम्प्यूटेशन रिलेशन होती है h कट l प्लस और n साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करो, इस थ्री वाली के ऊपर, तो देखो थ्री जो था वो क्या आ गया, शुरू में आ गया, सॉरी हाँ, ये थ्री शुरू में आ गया, एल जी और एल प्लस की हमें पता है कि एच कट एल प्लस होती है और साथ में एन थ्री रहा। ओके, सेम इसी तरह अगर नेगेटिव के साथ गिवन हो तो नेगेटिव के लिए क्या होगा कि एल जी एल माइनस और यहाँ पे कोई भी पावर गिवन हो सकती है। अब हमें पता है कि एल जी और एल माइनस एन पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी और ये इनकी कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है, माइनस एच क्रॉस एल माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक नेगेटिव साइन का फ़र्क आएगा क्योंकि इनकी कम्यूटेशन रिलेशन माइनस एच कट एल होती है और एन आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पे जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब हमारे पास एल जी और ये कब कम्यूटेशन रिलेशन आती है, जब एल जी पहले हो और एल प्लस बाद में हो तब हमारे पास एच कट एल प्लस आती है। लेकिन अगर एल प्लस पहले हो जाए और एल जी बाद में हो जाए तो तब क्या कम्यूटेशन रिलेशन आएगी, माइनस एच कट, सॉरी माइनस एच कट एल प्लस, ठीक है, ये एच है, माइनस एच कट एल प्लस हो जाएगी। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि अगर हम एक्स और पी एक्स की कम्यूटेशन रिलेशन करते थे तो वाई आयोटा एच कट आती थी। सेम इसी तरह जब हम पी एक्स और एक्स की कम्यूटेशन रिलेशन करते थे तो माइनस आयोटा एच कट हो जाती थी। सेम इसी तरह अगर इनकी जगह रिप्लेस हो जाए, एल प्लस पहले आ जाए, एल जी पहले आ जाए, तो माइनस एच कट एल प्लस हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर यहाँ पर एल माइनस और एल जी हो जाए, इनकी कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है, वैसे इसकी कम्यूटेशन रिलेशन क्या आई है, माइनस एच कट एल माइनस, तो इसकी क्या हो जाएगी, माइनस अगेन एक आएगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस एच कट एल माइनस। ये हम एक क्वेश्चन में आगे देखेंगे भी। उसके बाद है हमारे पास कि एल स्क्वायर एल प्लस की कम्यूटेशन रिलेशन पूछी जा सकती है, जिसमें मैं एल दोनों की वैल्यू पुट, सॉरी इसको इस मेथड से करेंगे, एल स्क्वायर एल प्लस की कम्यूटेशन रिलेशन पूछेंगे अगर, तो हम यहाँ पर एल स्क्वायर एल प्लस की वैल्यू पुट करेंगे, एल एक्स प्लस एल स्क्वायर एल एक्स एल स्क्वेयर आयोटा एल वाई, ठीक है। अब इनकी कम्यूटेशन रिलेशंस क्या होती हैं, ज़ीरो, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे क्योंकि ये डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दी। ओके, उसके बाद हमारे पास एल स्क्वेयर एल माइनस ले लें, तो एल स्क्वेयर यहाँ पे लॉरिंग ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे, एल स्क्वेयर एल एक्स माइनस आयोटा एल स्क्वेयर एल वाई, और इनकी वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगे। तो एल स्क्वेयर एल माइनस की जहाँ भी कम्यूटेशन रिलेशन आए तो वो ज़ीरो के इक्वल ही होगी। उसके बाद जैसे हमने कहा कि हमारे पास एल एक्स जो है, एल वाई जो है, वो एल जी जो था वो क्या थे, हार्मीशियन थे। हार्मीशियन का क्या मतलब है, एल एक्स का अगर मैं लूँ डैगर तो वो एल एक्स के इक्वल आएगा। सेम इसी तरह एल वाई का अगर डैगर ले लूँ तो वो भी एल वाई, क्योंकि ये क्या है, हार्मीशियन। अभी पूछा गया है कि क्या एल प्लस और एल प्लस माइनस जो है ऑपरेटर्स जो हैं, रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स, ये एक दूसरे के हार्मीशियन कॉन्जुगेट हैं या नहीं। एक दूसरे का हार्मीशियन कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि अगर आप एक जो है वो दूसरे के इक्वल आएगा, एक का हर्मिशन कॉन्जुगेट लो तो वो दूसरे के इक्वल आएगा। तो मैं एल प्लस का हर्मिशन कॉन्जुगेट लूँ तो एल माइनस के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं एल प्लस का हर्मिशन कॉन्जुगेट लूँ तो एल प्लस की वैल्यू क्या होती है, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, इसके ऊपर डैगर ले लेंगे, डैगर क्या एल एक्स के ऊपर अलग होगा, इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा, एल एक्स के ऊपर ऑपरेटर होगा डैगर तो एल एक्स दे देगा क्योंकि ये हर्मिशन है। आयोटा एल वाई के साथ क्या होगा, आयोटा के ऊपर होगा तो माइनस आयोटा बन जाएगा, और एल वाई के ऊपर होगा तो एल वाई सेम आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या होती है, एल माइनस, तो ये एक दूसरे के क्या है, हर्मिशन कॉन्जुगेट है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी कि शॉर्ट एट आर पी आर इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट। सेम इसी तरह जब हम एक्स पी एक्स करते थे तो वो आयोटा एच कट आता था, हम उसको कैसे प्रूफ करते थे, सेम उसी तरह जैसे क्वांटम वन में किया था हम इसको प्रूफ करेंगे। इसमें सिंपल एक्स की जगह क्या है, आर गिवन है, आर पी आर है, तो यहाँ पर मैंने आर पी की वैल्यू लिखूंगी, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल आर। अब हम क्या करते हैं, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, आप साई ले लो, जी ऑफ आर ले लो, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ आर ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने इसको फंक्शन ऑफ आर लिखा क्योंकि फंक्शन ऑफ आर में गिवन था, तो जी ऑफ आर मैंने खुद से कोई भी फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट को बाहर ले लिया, आर पार्शियल ओवर पार्शियल आर जी ऑफ आर हो गया। अब इस चीज़ को मैं कम्यूटेशन रिलेशन में खोलूँगी, कैसे, ए बी ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ये ए था ये बी था, तो ए बी माइनस बी ए, देन उसके बाद माइनस आयोटा एच कट ऐसे ही आर पार्शियल ओवर पार्शियल आर जी ऑफ आर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल आर आर और जी ऑफ आर इसके साथ भी हो जाएगा, ठीक। अब इसके ऊपर क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है, ये चीज़ें सेम आ जाएंगी, देन इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये चीज़ मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लूँगी तो ये चीज़ आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो क्या आ जाएगा, वन,
सेकेंड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, फिर प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, अब डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ओके। देन उसके बाद अगर आप देखो तो ये चीज़ क्या है, कैंसिल हो रही है, यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, माइनस जी ऑफ आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे ये फैक्टर जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था वो खुद ही से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आर पी आर की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा एच कट, ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म गिवन होती है और आपको जो है वो कुछ भी कम्यूटेशन रिलेशन निकालने को दे देते हैं कि प्रूफ करेंगे ये कम्यूटेशन रिलेशन इसकी आती है या नहीं आती, एक तो ये हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैट्रिक्स फॉर्म ना गिवन हो, वो कहें कि खुद से मैट्रिक्स को कैलकुलेट करो और मैट्रिक्स बनाने के बाद उसकी कम्यूटेशन रिलेशन भी बताओ, तो वो मैट्रिक्स की जब हम रिप्रेजेंटेशन टॉपिक करेंगे तब हम मैट्रिक्स बनाना भी आप लोगों को सिखाएंगे। लेकिन अभी मैट्रिक्स कुछ क्वेश्चन ये होते हैं कि मैट्रिक्स गिवन होती हैं, तो अभी जैसे इसमें मैट्रिक्स गिवन है, जैसे ऑपरेटर एल जी एल माइनस एल प्लस, उन्होंने कहा है कि आर गिवन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये सारे ऑपरेटर्स जो मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है और हमें शो करवाना है कि एल प्लस एल जी जो है वो इक्वल है एच कट एल प्लस के। ये चीज़ अभी हमने पीछे मैंने बताई थी कि जब हमने, ठीक है, ये यही है कि जब हमने LZ और L प्लस ऑपरेट कम्यूटेशन रिलेशन निकाली थी ना तो H कट L प्लस आया था। अब हमें वो कह रहे हैं कि आपने L प्लस और LZ की निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस H कट L प्लस। तो वो कह रहे हैं इस चीज़ को आप लोग प्रूफ करो, एक इस चीज़ को और एक इस चीज़ को आप लोगों ने प्रूफ करना है बाय यूजिंग जो मैट्रिक्सेस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एल प्लस एल जी जो है वो इक्वल है माइनस एच कट एल प्लस के, ये चीज़ प्रूफ करनी है और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो हम इस चीज़ को देखते हैं, सबसे पहले हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है, ओके। सबसे पहले हम कम्यूटेशन रिलेशन कैसे लिखते हैं, ए बी माइनस बी ए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एल प्लस की वैल्यू पुट कर दूँगी। देखो एल प्लस और एल जी दोनों में क्या है, एच कट है, तो एच कट से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, एच कट स्क्वायर। देन यहाँ पे एल प्लस की वैल्यू पूरी आ गई, फिर यहाँ पे एल जी की वैल्यू आ गई, ये डॉट है, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर माइनस का साइन है, एच कट स्क्वायर बन जाएगा, एल जी की वैल्यू लिखी और ये एल प्लस की वैल्यू है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक दफ़ा सिखा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे। हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में ज़ीरो और वन मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ीरो, अंडर रूट टू ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो 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 से ज़ीरो, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। फिर फर्स्ट रो ली, सेकंड कॉलम, ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक। फिर फर्स्ट रो ली, थर्ड कॉलम, अगेन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फिर अंडर रूट टू ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो 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 से माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ज़ीरो, ठीक है। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ज़ीरो वन से हुआ, ज़ीरो 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 से मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो अंडर रूट टू ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो 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 से मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो अंडर रूट टू ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो। देन अगेन सेकंड रो थर्ड कॉलम, ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो 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 से मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो अंडर रूट टू माइनस वन से हुआ, माइनस अंडर रूट टू, ठीक है। अगेन हम लोग थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ज़ीरो ज़ीरो वन से ज़ीरो 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 से मल्टीप्लाई हुआ, ज़ीरो 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 से ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ओके। फिर अगेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, रो वही रखते हैं फिर कॉलम चेंज होते रहते हैं, आप लोगों ने बाकी खुद कर लेने। फिर दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस साइन एच कट, सेम इसी तरह इनको भी आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या दे रहा है, ज़ीरो, ये भी ज़ीरो ज़ीरो बन जाएगी, ये मैट्रिक्स ज़ीरो बन जाएगी, ज़ीरो ज़ीरो माइनस अंडर रूट टू, ठीक। तो मैं इसको आगे ऐसे सिंप्लीफाई कर दूंगी, ठीक। अब एच कट स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकती हूँ, फिर जब कॉमन ले लिया तो ये क्या हो रही है, माइनस ज़ीरो माइनस ज़ीरो 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 माइनस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू आ जाएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। इस तरह माइनस कर देना है आप इसमें। देन उसके बाद क्या करना है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ। माइनस साइन कॉमन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे एल प्लस के इक्वल प्रूफ करना है और एल प्लस में यहाँ पे प्लस मैट्रिक्स जो गिवन है वहाँ पे प्लस आता है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद मैं इसको एच कट लिख सकती हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा। एच कट लिखा, एच कट स्क्वेयर को इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि ये पूरी मैट्रिक्स जो है वो क्या बनती है, एल प्लस, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस एच कट एल प्लस के इक्वल ये प्रूव हो गया। देन उसके बाद एल माइनस और एल जी को प्रूफ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए लिखा, सेम उसी तरह एच कट स्क्वेयर, ए एल माइनस की वैल्यू, एल जी की वैल्यू यहाँ पे लिखी, माइनस एच कट स्क्वेयर एल जी की वैल्यू, ये एल माइनस की वैल्यू, आप इसमें मल्टीप्लाई किया या आप लोग खुद कर लोगे।
एच कट स्क्वेयर, इनको आप इसमें ठीक है ये पूरी मैट्रिक्स को सिंपलीफाई किया, एच कट स्क्वेयर को कॉमन ले लो, उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को आप इसमें माइनस कर दो और फिर एच कट की फॉर्म में लिख दो और ये जो चीज़ है आपके पास ये आप लोग मैट्रिक्स से पीछे मैच करोगे तो ये एल माइनस ही बन रही होगी, तो आपके पास प्लस एच कट एल माइनस प्रूव हो गया। उसके बाद इसका पार्ट भी है कि शो डेट एल प्लस और एल माइनस डेट टू एच कट एल ऑफ जी के इक्वल आता है, इसको वो उसी मैट्रिक्स के ज़रिए ही करना है। मैट्रिक्स को मैं खोलूँगी एल प्लस एल ए बी माइनस बी ऑफ ए, ओके। उसके बाद एल प्लस की मैट्रिक्स लिखी, एल माइनस की लिखी, यहाँ पे एल माइनस की मैट्रिक्स लिखी, एल प्लस की मैट्रिक्स लिखी, सेम उसी तरह क्या करना है इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करना है, देन एच कट स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे, दो मैट्रिक्स आप इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ से टू को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एल ऑफ जी की जो मैट्रिक्स आती है उसमें वन आता है, तो यहाँ पे टू एच कट की एच कट स्क्वेयर को मैंने एच कट लिखा तो टू एच कट ये चीज़ जो होगी वो एल ऑफ जी थी, तो एल ऑफ जी के इक्वल प्रूफ हो गई। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एल एल, ये अब कम्यूटेशन रिलेशन में नहीं आता लेकिन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने इस टॉपिक में ये करवा दिया। एल एक्स जो है वो इक्वल है वन ओवर अंडर रूट टू, ये एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम का क्वेश्चन था। एल एक्स की वैल्यू गिवन है, एल वाई की वैल्यू गिवन है, एल सी की अगर नहीं गिवन है एच कट, तो यहाँ पे एच कट हम खुद से लगा देते हैं, एच कट ज़रूरी है ठीक है, तो एच कट है साथ। कैट फॉर्म में अगर हम देखें तो कैट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, एक रो गिवन होती है, जो ब्रा फॉर्म होती है उसमें हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी को रो को मैंने कॉलम में लिख दिया और ये ब्रा फॉर्म होती है उसको मैं ऐसे लिखती हूँ और कैट फॉर्म को ऐसे लिखा जाता है, क्वांटम वन में पढ़ चुके हैं, ओके। ये पूरी कैट फॉर्म लिख दी, एल एक्स की वैल्यू लिख दी प्लस एल वाई की वैल्यू लिखी प्लस एल जी की वैल्यू लिख दी और ये पूरी जो है एल एक्स एल वाई और एल जी क्या आ गया, ब्रा की फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस एल वाई वाली एल वाई के साथ प्लस एल जी वाली एल जी के साथ। देखो जब मैं एल एक्स को एल एक्स के साथ करूँगी तो वन बाई अंडर रूट टू, वन बाई अंडर रूट टू क्या बन जा देंगे वन बाई टू और एच कट क्या बना देगा एच कट स्क्वेयर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी एच कट स्क्वेयर बाई टू, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दो दफ़ा लिखी जाएगी। सेम इसी तरह ये भी एच कट स्क्वेयर बाई टू, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स लिखी जाएगी, फिर एच कट स्क्वेयर बाई टू, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स लिखी देंगे पूरी, ठीक है। तो आप लोग देखो यही फॉर्म बन रही है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स में लिखना भूल गई थी तो ये आप लोग, ये मैंने यहाँ पे इसलिए इसको एरो डाल के लिख दिया कि ये इसके बाद आती है, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखना है फिर ये टर्म लिखनी है, देन उसके बाद आप इसमें इनको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली जो है ना, ये अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो ये क्या है, ये मैंने माइनस आयोटा स्क्वेयर लिखा हुआ है, ये ज़ीरो है, ये आयोटा स्क्वेयर है, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आएगा। ज़ीरो है ये माइनस आयोटा स्क्वेयर, माइनस आयोटा स्क्वेयर है, ये ज़ीरो है, अगेन आयोटा स्क्वेयर है, ज़ीरो है और माइनस आयोटा स्क्वेयर है, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या किया, ये चीज़ें एज इट इज़ मैंने लिखी हुई हैं, आयोटा स्क्वेयर होता है माइनस वन, लेकिन माइनस आयोटा स्क्वेयर प्लस वन हो जाएगा, सेम इसी तरह आयोटा स्क्वेयर माइनस वन, आयोटा स्क्वेयर माइनस वन और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा माइनस टू आयोटा स्क्वेयर और माइनस टू आयोटा स्क्वेयर क्या होता है प्लस टू और यहाँ पे भी माइनस आयोटा स्क्वेयर वन दे देगा, ये माइनस है, ओके जी। उसके बाद ये क्या है एच कट स्क्वेयर, एच कट स्क्वेयर, एच कट स्क्वेयर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो रही हैं ऐड हो रही हैं, मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूँगी मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई, देन उसके बाद ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। फिर एच कट इस टू को मैं अंदर क्या कर दूँगी, हर एक के साथ डिवाइड जब कर दूँगी ना तो ये टू और टू क्या बन जाएगा वन, सेम इसी तरह ज़ीरो ज़ीरो, ये टू और टू क्या बन गया वन, बाकी सेम है, ये क्या बन जाएगा टू और टू फोर, सॉरी टू सॉरी एच कट स्क्वेयर वन ज़ीरो, ये एज इट इज़ आ गई। फिर एच कट स्क्वेयर को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे तो ये आ गया, टू को बाहर ले लिया तो हमारे पास टू एच कट स्क्वेयर, ये चीज़ क्या है पूरी आइडेंटिटी, तो मेरे पास आई आ गई टू एच कट स्क्वेयर आई, आई जो है वो आइडेंटिटी, ओके। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमने सारा काम किया है ये हमने सारा एल के लिए किया है, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या होता है एल की जगह जे लिखा होता है, तो वो कैसे होता है, जे क्या होता है हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, एल भी आ जाता है प्लस स्पिन भी आ जाता है। अब ये जो हम पूरा केस पढ़ रहे हैं ये वो है जिसमें स्पिन जो है वो ज़ीरो है, जब स्पिन ज़ीरो है तो जे किसके इक्वल हो गया एल के, ठीक है। तो अगर कहीं पे ये सारी चीज़ें जे एक्स, ये सारी ये जो कम्यूटेशन रिलेशन हमने सारे पढ़े हैं ये सारे आप कन्वर्ट कर सकते हो जे में भी, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या लिखा होगा जे ऑफ एक्स और एक्स के कम्यूटेशन रिलेशन ज़ीरो होती है, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हमने किए हैं सारे आप जे में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।